अगर आप एक नया राशन कार्ड के लिए अप्लाई किए हैं या राशन कार्ड में कोई भी करेक्शन किए हैं तो उसका स्टेटस आप घर बैठे ही ट्रैक कर सकते हैं। तो ट्रैक कैसे किया जाता है, चलिए मैं आज की वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी ब्राउज़र को ओपन करेंगे, उसके बाद यहाँ आप टाइप करेंगे जन वितरण अन्न, तो आपके सामने ऑफिशियल साइट आ जाएगा rcms.bihar.gov.in। ये ऑफिशियल साइट है, इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस देखने को मिलेगा, साइट खुल करके आ जाएगा। यहाँ पहले अपना ज़िला सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी ज़िला पड़ता है, चलिए इसमें से अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं, मेरा कटिहार है, हम कटिहार ले चुके हैं। उसके बाद आपको यहाँ अनुमंडल का ऑप्शन दिखता है, तो यहाँ पर आपको अनुमंडल चूज़ करना होगा, आपका जो भी अनुमंडल है वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ RTPS संख्या यानी अप्लीकेशन संख्या, जो राशन कार्ड आप अप्लाई किए हैं या करेक्शन किए हैं तो उसमें जो अप्लीकेशन नंबर मिला है या आपको जो भी रिसीविंग मिला है उस रिसीविंग में आपका अप्लीकेशन नंबर दिया हुआ रहता है, वो 18 डिजिट का रहेगा। वो नंबर को यहाँ फिल करेंगे और शो के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। देखिए जैसे कि हमने शो के ऑप्शन पे क्लिक किए हैं तो देखिए मेरा यहाँ पे RTPS नंबर ये वाला है मेरा, ये आ गया है, यहाँ एप्लीकेंट का नाम आ गया है। यहाँ स्टेटस में आप देख सकते हैं आवेदन का अंतिम प्रोसेसिंग अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कर दिया गया है, राशन कार्ड प्रिंट लिया जा सकता है। तो मेरा राशन कार्ड बिल्कुल रेडी है, चाहे उसमें आप करेक्शन किए हैं चाहे वो नया अप्लाई किए हैं, जो भी किए हैं वो आपको यहाँ पे शो कर देगा। अगर आपका नहीं बना है, जो भी कारणवश नहीं बना है, वो यहाँ पे दे देगा। अगर बन गया है तो इस तरह का आपको भी मैसेज मिल जाएगा। तो जब मुझे ये बता रहा है कि आपका राशन कार्ड प्रिंट लिया जा सकता है, तो चलिए हम यहाँ पर डाउनलोड भी इसको कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले हम एक नया टैब को ओपन करेंगे और इसमें आप टाइप करेंगे EPDS और एंटर प्रेस कर देंगे, तो आपके सामने फिर से ऑफिशियल साइट आ जाएगा epds.bihar.gov.in। चलिए इसको हम ओपन करेंगे। उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का यूज़र इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, यहाँ RCMS रिपोर्ट, इसके ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से अपना ज़िला सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है और शो के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ अगर आप रूरल से गाँव ग्राम से तो इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, अगर आप अर्बन से शहर से हैं तो इसके ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। चलिए हम गाँव से हैं तो यहाँ रूरल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ से अपना ब्लॉक सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी ब्लॉक है। उसके बाद यहाँ से अपना पंचायत सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी पंचायत पड़ता है इस ब्लॉक में। और यहाँ से अपना विलेज को सेलेक्ट कर लेंगे, आपका जो भी गांव है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। तो आपके सामने पूरा का पूरा इस गाँव में जितना भी सारा राशन कार्ड है वो सारा का सारा यहाँ पर आ जाएगा। तो आपको इसमें ढूंढ लेना है कि आपका राशन कार्ड इनमें से कौन सा है। यहाँ आपका नाम दिया रहेगा, आपका यहाँ फादर का नाम दिया हुआ रहेगा। तो अगर इंग्लिश में लिखा हुआ है तो Ctrl+F प्रेस करेंगे तो यहाँ सर्च बार आ जाएगा, यहाँ आप लिख सकते हैं कैंडिडेट का नाम। अगर सर्च करने पर भी आपका नाम नहीं आता है तो आप इस तरह उसको एक एक करके ढूंढ सकते हैं। चलिए हम इसी तरह उसको ढूंढ लेते हैं। देखिए जैसे कि मुझे मिल चुका है, ये कैंडिडेट का नाम है यानी राशन कार्ड होल्डर का नेम है और ये उसका फादर नेम है। उसमें फैमिली में कितना मेम्बर है वो यहाँ पर दिया गया है और ये राशन कार्ड का नंबर है, तो इसी नंबर के ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। उसी नंबर के ऑप्शन पे क्लिक करते ही देखिए आपका राशन कार्ड यहाँ आपके सामने आ जाएगा, आपका यहाँ पूरा डिटेल्स दिया हुआ रहता है। और ये आपका राशन कार्ड नंबर रह गया, ये कैंडिडेट का नाम रह गया, ये आपका डीलर का नाम रह गया। ये फोटो अभी हमें शो नहीं कर रहा है, सर्वर में थोड़ा दिक्कत है इसीलिए शो नहीं कर रहा है। चलिए इसको हम इस तरह यहाँ प्रिंट पेज इसके ऑप्शन पर क्लिक करके इसको हम प्रिंट कर लेंगे और कस्टमर अगर है तो इसको यहीं से प्रिंट करके दे सकते हैं। सो इसी तरह ही आप घर बैठे अपना राशन कार्ड को ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं, चाहे उसमें करेक्शन किए हैं या नया राशन कार्ड बनवाने दिए हैं। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह का इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।